सर, मैं तो ये इसको चाहता हूँ कि यह जातीय जनगणना जो है इसको कराई जाए, क्योंकि निम्न जातियों के जो जितने भी जाति के लोग हैं, सामाजिक सबके सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए यह जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, मूल मुद्दों से नहीं मतलब है। सब लोग अपनी जातिगत खेमाबंदी मजबूत कर रहे हैं कि इन इन जातियों को हम अपने पाल में ले आए तो हम बहुमत के आंकड़े पर चले जाएंगे। वो किसी न जाति का विकास करना है, समाज का विकास करना है, केवल केवल कुर्सी हथियाने का एक माध्यम है जातिगत जनगणना, जो मेरी अपनी समझ है। अरे भाई, आरक्षण तो दिया गया, 50% आरक्षण है, तो आरक्षण जिसको मिल गया वो तो संपन्न हो गया, फिर उनका लड़का आरक्षण में फिर वो नौकरी पा रहा है, तो जो एक गरीब है जो आरक्षण के लिए वंचित है वो काफ़ी दूर हो जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार, और अब इस वक्त आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में जिस तरीके से जातिगत आंकड़े की बातें चल रही हैं, आजमगढ़ में भी ये चर्चा बनी है। हमारे साथ समाज के हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, राजनीति क्षेत्र से भी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र से हैं, तो साहित्य के क्षेत्र से भी है। यह इलाका साहित्य और शायरों के नाम से भी जाना जाता है। मैं शुरुआत वहीं से करता हूं कि जो इस तरीके की बातें चल रही हैं, जातिगत आंकड़ों की बातें कर रही हैं, मायावती जी का भी बयान आया, मोदी जी का भी बयान आया, और जिस तरीके से माहौल है, क्या कहना है आपके साहित्य की भाषा में अगर कहा जाए तो आप क्या कहें? क्या पूरा नाम लिखते हैं? जन्मेजय पाठक जी, साहित्यकार है। पाठक साहब, क्या कहेंगे? देखिए, जातियों का महत्व तो बहुत दिनों से बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। अनादिकाल से जातियों का आकलन सब हमेशा होता रहा है, और उन्हें स्वतंत्र रूप से विकास के लिए एक अवसर प्रदान किया जाता था। वह जैसा भौगोलिक स्थिति चाहते थे, जैसा वातावरण चाहते थे, वैसा उन्हें मुहैया कराया जाता था। और निश्चित है कि यह देश धीरे धीरे आदमी आज विकास के जिस भी कदम पर पहुंचा है, वह जातियों का महत्व है। सभी जातियां आपस में राय मशवरा करके जो भी अच्छा था मानवता के लिए वह कार्य करते थे, और उसमें बहुत से ऐसे जो पिछड़े जातियाँ थीं ऐसे भी उच्च स्थान को प्राप्त कर गईं, उन्होंने अच्छा काम किया देश के लिए, समाज के लिए और अपने लोगों के लिए। तो जो भी अच्छा काम किया वो उच्च वर्ग में चला गया। बहुत से शासक, आप इतिहास पढ़कर देखा जाए तो बहुत से शासक ऐसे हुए हैं जो जिनकी जातियां आज बहुत ही दृष्टि से लोग काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले जो कुछ भी रहा हो लेकिन वो अपने को उच्च शिखर पर पहुँचाए और अपने समूह को पहुँचाए, स्वयं भी पहुँचाए, और देश के लिए उन्होंने अच्छे विचार रखे, इसलिए उन्होंने शासन किया। तो आज के हालात पे क्या कहें? आज के हालात पर भी वही स्थिति है कि जैसे जो जातियाँ दबी कुचली और आज के लोगों द्वारा मान्य हैं, ऐसों को स्वतंत्र तरीके से उनकी काउंटिंग करके उनके पास उनकी क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए चाहिए, एक क्वालिफाइड आदमी या बहुत पहुँचा हुआ आदमी जिनके प्रकार अगर समाज में अपने ऊंचे स्थान प्राप्त हो गया है, तो उस स्थान पर पहुंचाने के लिए उनको अवसर प्रदान किया जाना। तो जातिगत आंकड़े की जो मांग हो रही वो होनी चाहिए होनी या चाहिए, होनी चाहिए। यह साहित्य मिश्र हमेशा ऐसा होता आया है, अशोक के भी काल में हुआ, वो भी हुआ। तो जो जाति आंकड़ा है उससे यह है कि कौन सबसे कम तबके का है, उसको सभी लोग मिल करके उठाने की कोशिश करेंगे। चलिए पाठक जी, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन हमारे यूपी तक के दर्शकों के लिए कुछ साहित्यिक बातें भी होंगी आपसे, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मैं राम नरेश यादव हूँ, पेशे से प्रबंधक हूँ। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, समाज को दिशा देते हैं। जो जातिगत आंकड़ों की बात चल रही है, राजनीति भी उसको लेके की जा रही है, प्रधानमंत्री जी का भी बयान आ चुका है और मायावती जी ने भी इसको समर्थन किया है, NDA के घटक दल भी ये चाहते हैं, आप लोग किस रूप से देख रहे हैं? सर, मैं तो ये इसको चाहता हूँ कि यह जातीय जनगणना जो है इसको कराई जाए, क्योंकि निम्न जातियों के जो जितने भी जाति के लोग हैं, सामाजिक सबके सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए यह जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पिछली बार कह चुके हैं कि मैं OBC जात से हूँ और अपनी जात को तेली जात बताए हैं, तो
तो जब आप खुद ओबीसी जात से हैं, तेली जात बताते हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि जातिगत जनगणना से जिन जातियों का उत्थान होना है, जो निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, दलित हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके उत्थान, उसके विकास के लिए उनके शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी सरकार की समस्याएं हैं, सरकार का जो योगदान है विकास के लिए, जो सरकार की योजनाएं हैं, आखिर उन तक कैसे पहुंचेंगे अगर उनका हमको करेक्ट आंकड़ा हमारे पास नहीं रहेगा। तो जातिगत जनगणना जो है मेरे ख्याल से देश के विकास में और जातियों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है, यही सवाल है। जिस तरीके से बातें चल रही हैं, काफ़ी दिनों से आंकड़ों की बातें हो रही थी, अब ये बातें आ रही हैं। क्या नाम है आपका? देवनाथ यादव। देवनाथ साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके का बयान आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां जो कह रही हैं, आप लोग क्या कहते हैं? अब जाति जनगणना कराने में तो सरकार को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कथन है कि सबका साथ सबका विकास। हम जितना आपका साथ देंगे, सहयोग देंगे, उसी हिसाब से हमारी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। जब जाति का पता नहीं होगा, कौन जात कितनी है, कै परसेंट है, कितनी हमारे साथ खड़ी होती है, कितनी मदद करती है, तो उनकी आप मदद, उनकी हिस्सेदारी आप कैसे देंगे? जब पता नहीं कि हम आपके यहाँ कितना शेयर जमा किए हैं, हमारा कितना FD आपके पास है, उसी हिसाब से हमें आप तो ब्याज देंगे, मुनाफा देंगे। तो जातीय जनगणना हो जाएगी, जात का परसेंटेज मालूम हो जाएगा, उनका दबे कुचले लोगों की जो समस्या परेशानी है उसका हल करने का तरीका आप उसी हिसाब से ढूंढेंगे। 10 लोग बीमार हैं, आपको पता नहीं है कितने लोग बीमार हैं। जब बीमार आपके हिसाब से होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। चलिए, कुछ लोग और। क्या नाम है आपका? गिरीश चंद्र मौर्य। मौर्य साहब, क्या कहेंगे? मैं समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हूँ। ये मुद्दा जो उठा है जनगणना का, ये बहुत ही देश हित में है और ये होना चाहिए। अब मैं सोचता हूँ कि ये जनगणना होने से सारी जातियों का जो हक हिस्सा है वो बराबर मिलेगा, इसलिए इस मुद्दे पे जो है देश में जनगणना अति आवश्यकता है, ताकि सबका हक सबको बराबर से मिले। कुछ लोग और। क्या नाम है भैया? सदा वृक्ष पांडे। पांडे साहब, क्या कहेंगे आप? जाति जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन खाली जाति जनगणना से पूरे जातियों का विकास हो जाएगा या संभव नहीं है। जनगणना से पहले उनके आर्थिक और शैक्षिक, सामाजिक क्षेत्रों का भी मूल्यांकन किया जाए कि जो जातियों में बटा हुआ हमारा देश है, उन सभी जातियों की स्थिति क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इसके बाद जनगणना हो। और जब तक वह नहीं पता रहेगा कि उनकी क्या स्थिति है, खाली फाट फाट कर देने से 63%, 40%, 20% से उनका उन्नति और विकास नहीं होगा। यह सब राजनीतिक स्टंट है। तो जो बिहार में लागू किया गया है उससे उसको लेके आप क्या? बिहार में जो हुआ वो सब राजनीतिक स्टंट है वोट के लिए। अगर जनगणना हुई है अच्छी बात है, लेकिन साथ में उनका शैक्षिक और आर्थिक मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया? और जब तक आर्थिक और शैक्षिक मूल्यांकन नहीं किसी जाति का होगा, तब तक किसी जाति के बारे में उसका विकास करना संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी क्रम में और भी लोग हैं, जिस तरीके की बातें आ रही हैं और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इसको अपने फ्रेम में देख रहे हैं, आप लोग भी हैं, जिले के शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हैं, क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेके और आप लोग क्या चाहते हैं? क्या नाम है आप? ब्रजेश राय। राय साहब, क्या कहेंगे आप? ये जो जातिगत आंकड़ों की बातें आ रही हैं, क्या स्वरूप है? देश के सामने, समाज के सामने जो परिस्थितियां हैं, जो मूल मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जनसंख्या नियंत्रण है, तमाम समस्याएं, उस मुद्दे से इतर केवल जातिगत खेमेबंदी वर्तमान राजनीति में चल रही है और उसी के लिए सब प्रयास हो रहा है। अब अभी तक हिंदुस्तान के अंदर तमाम सर्वे हुए, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुए हैं, सरकार के पास डाटा है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, जिन भी राज्यों में जो जिस पार्टी की सरकार है सबके पास डाटा है कि किसकी सामाजिक हैसियत जातिगत आधार पर क्या है, सामाजिक आधार पर क्या है, वो डाटा पता है। यह केवल और केवल चुनावी स्टंट है, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद कहीं कोई नज़र नहीं आने वाला है, चुनाव तक यह मुद्दा चलने वाला। आज सन 75 या 76 का सदर हॉस्पिटल बना,
उस समय आजमगढ़ की जनसंख्या क्या थी, कितने बेड का वो हॉस्पिटल बना है। आज लगभग 46.5 लाख आजमगढ़ की जनसंख्या है। मूल मुद्दा तो यहाँ है कि आज आबादी, जब का वो हॉस्पिटल बना है और तब से आज कई गुना आबादी हो गई, बेड 1000 भी नहीं होंगे। मुझको एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मालूम, आप मीडिया से संबंधित लोग हैं। मेरा कहना है कि जो भी राजनीतिक दल है, जो मूल मुद्दे हैं जो समाज के लिए, हर जात बिरादरी में गरीब लोग हैं जो है, नहीं, नहीं, तो अच्छी बात है। जो भी हो, और सरकार के पास पूरा डाटा है, जो लोग मांग उठा रहे हैं, जो लोग उससे हट रहे हैं, सबको पता है कि कहाँ हमको डेवलपमेंट करना है, कहाँ कहाँ होना चाहिए। उस मुद्दे से हटा, उससे ध्यान हटा करके, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, मूल मुद्दों से नहीं मतलब है। सब लोग अपनी जातिगत खेमाबंदी मजबूत कर रहे हैं कि इन इन जातियों को हम अपने पाल में ले आए तो हम बहुमत के आंकड़े पर चले जाएंगे। वो किसी न जाति का विकास करना है, समाज का विकास करना है, केवल केवल कुर्सी हथियाने का एक माध्यम है जातिगत जनगणना, जो मेरी अपनी समझ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग और हम बात करेंगे। जिस तरीके की राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरीके से अभी यहाँ पे जिस तरीके से चर्चाएं, अभी कई लोगों से हमारी बात भी हुई, कुछ लोगों का ये कहना कि होना चाहिए, कुछ लोगों का स्वरूप कुछ और होना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में। जैसे कि आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने भी इसकी सहमति दी है, तो कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका दूसरा रूप लिया कि गरीबों के लिए। NDA के जो साथ देने वाले वो भी इसमें इनका पक्षधर बन रहे हैं। आम जनता, आजमगढ़ की जनता क्या सोचती है और क्या कहना है? क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह, कांग्रेस पार्टी से हम नेता हैं। कांग्रेस के हैं। देखिए, देश में जाति जनगणना, आर्थिक जनगणना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन केवल हम जातिगत जनगणना करा लें और आर्थिक जनगणना करा लें और इसके अलावा हम कोई तैयारी न करें उसकी, तो और केवल राजनीतिक रूप दिया जाए इसका, उससे ये होगा कि आपस में भेदभाव काफ़ी बढ़ेगा, आपस में लड़ाई बढ़ेगी। आज मणिपुर में आप देखिए, मणिपुर में दो जातियां हैं आपस में इतनी मजबूती से लड़ रही हैं कि आज जो है मणिपुर शांत नहीं हो रहा है। तो जातियों की जनगणना ज़रूरी है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, आज का जो माहौल चल रहा है, वो केवल उनको ये लेना है कि राजनीतिक माहौल लेना है। आर्थिक जनगणना ज़रूरी है, जातिगत जनगणना ज़रूरी है, उसी पर आधार पे हमारा बजट तैयार होता है। कल ये होने लगेगा हमको इस पर आरक्षण दिया जाए। अरे भाई, आरक्षण तो दिया गया, 50% आरक्षण है, तो आरक्षण जिसको मिल गया वो तो संपन्न हो गया। फिर उनका लड़का आरक्षण में, फिर वो नौकरी पा रहा है, तो जो एक गरीब है, जो आरक्षण के लिए वंचित है, वो काफ़ी दूर हो जा रहा है। तो जो विसंगतियाँ हैं समाज में, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो सरकारें हैं, जो सरकार हों, इन सब के बारे में सोचें, इसका राजनीतिक स्वरूप न लें। चलिए, कुछ लोगों ने 2-8 में कि जातिगत जातिगत जनगणना से क्या मिलेगा? समस्या तो है गरीबी, भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी है, जातिगत से क्या मिलेगा भाई? हम हर जातियों में कोई करोड़पति है, अरबपति है, किन्हीं जातियों में एकदम गरीब हैं, वहीं गरीब हैं, वहीं अमीर है, तो अमीर गरीब की खाई को पाटना है। एक आदमी भूखों मर रहा है, ये देखना है कि वो पंडित जी हैं, वो यादव जी हैं, वो जो है भूहार है, ये सब देखने से, ये सब करके क्या करेंगे? कहाँ, कौन से यूनिवर्सिटी में कौन लोग काफ़ी ये जांचेंगे कि ये जाति हैं, फला जाती हैं? जातियों में बांटने से क्या मिलेगा भाई? मेन मुद्दा तो रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए, गरीबी होनी चाहिए। समाजवादी विचारधारा के लोग कैसे ऊंच नीच की खाई को पाटेंगे? कैसे पाटेंगे ऊंच नीच की खाई को? जो समाजवाद की बात करते हैं वो कैसे धरातल पे सही करेंगे? होना चाहिए कि नहीं होना? कदापि नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, कहाँ जचवाएंगे? मेन चीज है, जो गरीब हैं, पड़े हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको अधिकार दीजिए ना। ये कहाँ क्या करेंगे भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ लोग और हैं, समय समय पे आपकी भी बातें आती रहती हैं। हम जिस तरीके से बात करते हैं आपसे कि जो एक निचोड़ निकल के आ रहा है, कुछ लोगों का कहना होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना नहीं होना चाहिए, स्वरूप क्या होना चाहिए? क्या नाम है? हमारा नाम पतिराम यादव है।
लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं, लोकदल के नेता हैं। यह ठीक हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। कम से कम इससे पता तो चले कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात चलती है जब, और यह जातियों का देश है, तमाम जातियां हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, कागज़ में है, अमीरी गरीबी सामाजिक स्तर इस सबको ध्यान में रख के जो शोषित पीड़ित दलित कमज़ोर तबका है, कम से कम उसको उसी हिसाब से लाभ तो मिलेगा, तो ये ठीक है, हो रहा है। चलिए ठीक है, बहुत लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। जातिगत आंकड़े की बात चल रही है, जातिगत जनगणना की बात चल रही है। सवाल है, कुछ लोग कह रहे होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? देवनाथ साहू। साहू साहब क्या कहेंगे? जातिगत जो जनगणना पर इसमें बहस चल रही है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए। गरीबों का जो हक है उससे मिलेगा, जातिगत जनगणना हो जाएगी। जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, उनका वंचित हैं, आर्थिक किसी से कमज़ोर हैं, इससे उनका आंकड़ा मिल जाएगा तो उनको भी लाभ दिया जाएगा। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यह रखा था, जब स्वतंत्र हुआ देश, पहला प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल जी, तो उस समय पिछड़ी जात के लिए महात्मा गांधी ने बाबा साहब से कहा था कि पिछड़ी भी जात के जनगणना होनी चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जी, मेरे बड़े भैया, जो बिहार से आंकड़ा आया है सर्वोपरि है, उसके लिए बहुत बहुत नीतीश सरकार को बधाई हो कि जो कि जातीय जनगणना करा कर एक देश को एक संदेश दे दिया कि आपने हमारे हक को छीना था, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित अति दलित करा के हमको लड़ा करके राज करने का काम किया। हम जाति जनगणना करा के आप 10% ले लिए, हम आपको 15% देते हैं, आप मुझे 85 दे दो, हमारा देश खड़ा हो जाएगा, यही है। चलिए, तो बहुत से लोगों की बातें हुई हैं, कुछ लोग और हैं और हम उनसे बात करते हैं कि काफ़ी अनुभवी हैं आप, जिस तरीके की बातें आईं, बिहार सरकार प्रांत ने जिस तरीके से जातिगत आंकड़े को लागू कराने की बात कही है, मायावती जी का भी बयान आ रहा है, उन्होंने समर्थन किया है, मोदी जी कहते हैं कि गरीबों की बात करिए, कुछ एनडीए के घटक दल हैं वो भी इस बात के समर्थन करते हैं, आजमगढ़ की जनता क्या कहना चाहती है? पहले तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जो नकली पिछड़े बन करके 1995 तक वो सामान्य जाति भी थे, और 1995 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने राजनीतिक हित के लिए अपने को पिछड़ा घोषित कराया। तो अगर पिछड़ों की अगर कहीं मांग हो रही है, पिछड़ों के हक की मांग हो रही है, और अपने को पिछड़ा कह के यार सत्ता में है मोदी जी, अगर पिछड़ा नहीं बनते तो सत्ता में मोदी जी नहीं होते, अगड़ा कह के सत्ता में नहीं आए, पिछड़ा कह के आए। तो पिछड़ों का अगर हक अधिकार की बात और कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो जिसका जो भी अधिकार है संविधान के तहत वो अधिकार उसको मिलना चाहिए। वो देश का एक हर एक आदमी, हर व्यक्ति जो है इस देश का एक हिस्सा है, भाग है, हर आदमी के अपने अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं जो संविधान प्रदत्त हैं। वो संविधान प्रदत्त जो भी अधिकार हैं, जिस तरह के भी अधिकार हैं, चाहे वो आरक्षण संबंधी अधिकार हो या किसी प्रकार का अधिकार, जो संविधान अधिकार देता है, वो चाहे पिछड़े का जो अधिकार हो, चाहे अगले का जो अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। चलिए, तो कुछ लोगों की बातें हैं, कुछ लोगों ने उसका पक्ष लिया है, कुछ लोगों ने उस पर ये आरोप लगाया कि नहीं, इस तरीके की चीज़ें राजनीति के तहत हैं। हमने जिस तरीके से बात किया था कि हम साहित्यकार और शायरों की धरती से हैं, शुरुआत में आपसे बात की थी, तो इन सारे निचोड़ पे आपके तरफ से हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक साहित्यकारों के चिंतन की बात है, तो जातीय आधार का आंकलन बहुत आवश्यक है, और सभी जातियों का एक अस्तित्व होता है, एक मर्यादा होती है, एक उनकी आकांक्षा होती है। गणना हो, गणना में जो जातियाँ, तो कुछ साहित्य की भाषा में हमारे दर्शक, हाँ, जैसे हमारे राष्ट्रीय कवि गुप्त जी ने लिखा है, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, वो नर नहीं नरपशु समान है और मृतक समान है। जिसको अपने जाति, अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज की चिंता नहीं है, ऐसे लोग मृतक के बराबर हैं। अंतिम निष्कर्ष यही साहित्य का है कि हर व्यक्ति का आकलन होना चाहिए, उस समाज में जो पिछड़ गए हैं सर्वाधिक,
ऐसे लोगों को उनके बराबर पहले लाइए जो कि उनसे ऊपर के समाज माने जाते हैं और सर्वाधिक पूरी संख्या में वह उन्नत कर चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों में रही, कई लोगों से हमने बात की, कुछ लोग उसका पक्ष ले रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वह राजनीतिक स्वरूप है, कुछ साहित्यकारों और शायरों से भी बात हमारी हुई, वह अपने अपने तरीके से इस बात को कह रहे हैं। जातिगत आंकड़े होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इस पे राजनीति भी हो रही है और इन्हीं सारी बातों को हम जानने के लिए यहाँ पे आए कि आम जनता इन सारे मुद्दों को लेके क्या सोचती है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।